बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर का मार्केट उसकी फिल्म के बिजनेस पर डिपेंड करता है। आपकी फिल्म अच्छी चल गई, आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी, और अगर आपकी फिल्म पिट गई तो हो सकता है कि आपको फिल्म नहीं मिले, और अगर मिल भी गई तो टू हीरो फिल्म मिले, छोटा रोल मिले, पैसा भी कम मिले। ये देखा गया है और काफी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। कई बार तो आपका करियर ही खत्म हो जाता है एक फिल्म फ्लॉप, आप इंडस्ट्री से बाहर। लेकिन इसी बॉलीवुड को एक ऐसे महान कलाकार मिले जो अपनी फ्लॉप फिल्म होने के बावजूद अपनी रेट बढ़ाया करते थे और उन्हें उनकी रेट मिलती भी थी। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको उसी कलाकार के बारे में बताऊंगी कि कौन थे ये जिन्होंने बॉलीवुड को ही झुका के रख दिया। इस महान कलाकार का नाम मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको इनके इंट्रोडक्शन में कुछ कहना चाहूंगी कि इनकी फिल्मों से ज्यादा इनके किस्से और इनके डायलॉग्स पॉपुलर है। इनके डायलॉग डिलीवरी का जो स्टाइल है उसको आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई मैच नहीं कर पाया है। ये जब मजाक करते हैं तब इन्हें ही मजा आता है, सामने वाला तो शर्म से पानी पानी हो जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, राजकुमार साहब की जानी। जी हाँ, तो राजकुमार साहब इकलौते ऐसे एक्टर हैं बॉलीवुड के जो फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद अपनी फीस को बढ़ाते थे और मुंह मांगी फीस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मांगते थे। कई बार ऐसा करने पर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें पागल भी समझते थे कि यार फ्लॉप फिल्म के बावजूद ये बंदा रेट बढ़ा के कैसे मांग रहा है। ऐसे में राजकुमार साहब इन फिल्म मेकर्स को ऐसा जवाब देते थे कि इनकी बोलती ही बंद हो जाती थी कि कहें तो क्या कहें। और वो जवाब है भी बहुत मजेदार, वो जवाब आज भी कोई एक्टर यूज करे तो शायद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की बोलती बंद हो जाए। ये पूरा किस्सा राजकुमार साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्सर जब फिल्म फ्लॉप होती थी और उसके बाद कोई दूसरी फिल्म ऑफर होती थी तो वो अपनी रेट में 1,00,000 रुपया बढ़ाकर मांगते थे। जी हाँ, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से तुरंत सवाल आता था कि सर आपकी पिछली फिल्म तो फ्लॉप हुई है, आप पैसा बढ़ाकर कैसे मांग रहे हो। तो इस पर राजकुमार साहब जवाब देते थे कि वो जो फ्लॉप थी वो फिल्म फ्लॉप थी, राजकुमार कभी ना फ्लॉप होगा और ना ही उसको कोई फ्लॉप कर सकता है। ये ऐसा जवाब था जिससे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी चुप हो जाते थे। और राजकुमार साहब थे भी इतने बेहतरीन कलाकार कि फिल्म में होने से वाकई में फिल्म में 4 चांद लग जाते थे। यही कारण है कि अगर वो 1,00,000 रुपया बढ़ाकर भी फीस मांगते थे तो भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें देने के लिए तैयार हो जाते थे। कुछ इस तरह का जादू था राजकुमार साहब का। उनके कहानी, उनके किस्से और उनके मजाक वाले इंसिडेंट बॉलीवुड की गलियों में काफी पॉपुलर है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।